हेलो गाइस, कैसे बा? स्वागत है आपको दोबारा मेरे चैनल वेग त्रिपाठी सर पे। अनऑफिशियल बिल्कुल मजेदार चैनल है। आपको पता है जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं वोकैबुलरी, ठीक है? और वोकैबुलरी कौन सी होती है भैया? जो जीवन में भी काम आए, परीक्षा में भी काम आए, लेकिन जीवन में ज्यादा काम आता है। परीक्षा में तो हम लोग आंसर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो आज का जो ज्ञान लेके आया, आपने थंबनेल पढ़ा होगा, अ कॉफी विथ बनारसी। ठीक, तो बस ये सोच रहा था कि मैं जब पहली बार कॉफी पीने गया तो मेरे कुछ तजुर्बे, कुछ एक्सपीरियंस है, और एक क्वेश्चन उठ रहा था कि बनारस में स्टारबक्स क्यों नहीं है। जब मैं चंडीगढ़ में आया, दिल्ली में आया, एयरपोर्ट पे स्टारबक्स, सीसीडी, सारे बरिस्ता ऑप्शंस हैं, लेकिन बनारस में क्यों नहीं? तो कुछ बातें मेरे दिमाग में। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त कॉफी पीने गया, है ना? अब इससे पहले आप कॉफी पीने जाएं किसी के साथ भी, बेइज्जती बहुत होती है, घनघोर। मैं पहले बता दूं, तो बेइज्जती ना हो इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अगर खुद कॉफी पीने नहीं जा रहे, कोई दोस्त सोच रहा है कॉफी पीने जाए कहीं बीएचयू वाली या बीएचयू वाले के साथ, तो उसको ये जरूर फॉरवर्ड कर देना वीडियो कि भैया पीने से पहले देख लो, कॉफी पीने से पहले क्या होता है, क्या ऑर्डर करना देख लो, पता लगा लाते तू हमको लात मारेगा, तू हमको लात मारेगा, हम तो लात मारेंगे, ऐसा ना हो जाए। बनारसी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, तो याद रखिएगा कुछ ऐसा आपके साथ ना हो जाए। इसे संक्षिप्त में एकदम डिटेल में फुल वर्जन है ना। तो भैया मैं बता दूं, पहले जब आप कॉफी पीने जाएंगे तो आपको कई अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। जैसे एक ब्रांड कहता है रेगुलर लोगे या किंग साइज लोगे, ठीक है? अब जब आपने देखा किंग, तो किंग यानी राजा, यानी इसका मतलब समझ ही गए होगे, भाग गरीब कहीं के, ठीक है जी? तो किंग साइज जो होता है वो महंगा होता है हमेशा, और कई लोग तो इसके ज्यादा भी, इससे भी आगे जाते हैं भाई साहब, है ना? वैसे आपने पढ़ा होगा स्मॉल, ये एक आपने पढ़ा होगा स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये कप साइज होते हैं भाई साहब, है ना? ये तो सबको समझ आ जाता है। तो ये समझ ना है लोगों को, अगर समझ आ गया तो कॉफी कहेगी, कॉफी तो वही जो समझ ना है, कंफ्यूजन पी क्या रहे हैं, मंगा क्या रहे हैं, और सामने वाली बोलती है आई वुड लाइक टू हैव अ ट्वेंटे, और आप भी सोचते हो अच्छा बढ़िया होगा, हम भी एक ट्वेंटे लेंगे, ठीक है? अब कुछ आपको चीजें बता देता हूं। कुछ साइज ऐसे होते हैं, जैसे कई अगर आप स्टारबक्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा टॉल, ग्रैंडे, वेंटे, और बहुत पैसा है तो ट्रेंटे। जब मैं पहली बार कॉफी पीने गया तो मैंने समझ नहीं पाया, तो मैंने एक एक बार सारी कॉफी मंगा पी, चार पांच बार गया हर कॉफी, तो मुझे समझ में आया बजट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, इसके लिए क्या होगा उधार मांगना पड़ेगा, और इसलिए किडनी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत महंगा होता है भाई साहब, 300-350 का कॉफी नहीं होता, उसको लूट कहते हैं, लूटना, और लूट, और इंसान खुद हंस होकर लुटाता है, क्यों? क्योंकि सामने वाला इज्जत भी तो बचाना है भाई साहब, ठीक है जी? तो ये है कॉफी के साइजेस। जब भी आप जाएंगे आपको तीन प्रकार के मग मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे रेगुलर साइज यानी मीडियम ही मान लीजिए, और किंग साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अगर आप स्टारबक्स में जा रहे हैं, किसी बहुत एक्सक्लूसिव वाले कॉफी शॉप में जा रहे, तो याद रखिएगा वहां पे आता है टॉल, ग्रैंडे, वेंटा यानी थोड़ा ऊपर, और ट्रेंटे यानी भाई महीने भर का उधार, ठीक है? तो ये है कप साइजेस। अब जरा मैं बताता हूं, जो आपके मन में कीड़ा होता है, एक्सप्रेसो क्या होता है, ये लाते क्या होता है, फ्रैपे, भाई है घबराए मत, भाई आपको सब बताएगा। तो अब देखिए आपको करना है इसके बाद, तो जो पहली कॉफी है ना, पहले उसका नाम एक्सप्रेसो नहीं होता भाई साहब, उसका नाम होता है एस्प्रेसो, यहां पे एस लगा हुआ होता है एस्प्रेसो। तो एस्प्रेसो मतलब होता है जहर, नहीं पी पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं पी पाओगे। अगर बचपन में शिकंजी बनाई होगी, शॉर्ट में समझाता हूं अपने तरीके से, बचपन में जब शिकंजी बनाते थे हम लोग, अगर आप कहीं देखा होगा शिकंजी वालों को क्या करते हैं, पानी, जितना पानी उतना ही चीनी, उतनी क्वांटिटी में चीनी, और दोनों को मिला लो भाई साहब, इतनी जहर मिठास होती है कि वो पिया नहीं जाता, उसी को बोलते हैं एक्सप्रेसो। जितना कॉफी पाउडर उतना ही पानी, उसको मिला दिया। मैं एक बार पहली बार गया एयरपोर्ट पे अपने सीनियर्स के साथ, है ना? तो सर बोलते हैं अबे कॉफी, मैं कहा श्योर सर, मैं सर आप क्या लेंगे, सर कहा मैं लाटे लूंगा, मैं कहा ओ लाते हम मुक्का लेंगे, हमने कहा एक्सक्यूज मी सर, मैंने देखा साइज, देखो हम लोग क्या है कि जब मोहतरमा के साथ जाते हैं तो हम देखते हैं क्वालिटी, जब किसी ऐसे अपने दोस्त के साथ सीने से जा रहा हूं सस्ता वाला देखता हूं। तो मैंने कहा सबसे सस्ती कॉफी कौन सी थी, उसमें लिखा था एक्सप्रेसो शॉट, मैं कहा 180 रुपए का, जी हाँ 180 रुपए का, मैं कहा दे दो भाई, उसने इतना सा दिया, मैं कहा चोर 180 रुपए इतना कौन देता है, लेकिन जब मैंने पिया तो सर बोल रहे नाइस टेस्ट, क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी बड़े कॉफी में जाते हो, जो भी बड़ी मीटिंग में जाते हो, तो इसको आई ओपनर भी कहते हैं,
इसको क्या कहते हैं कॉफी को, इस कॉफी का नाम आई ओपनर भी है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, कड़वा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अकेले कभी नहीं पी सकते, इसके साथ हमेशा, या तो भाई पैसे बचाने के चक्कर में कर रहे हो तो ठीक है, वैसे अकेले इसको पी नहीं सकते, ठीक है। अब होता क्या है उसके बाद, ये आपका पहला नंबर पे था, दूसरे नंबर पे आपके पास आता है अमेरिकानो, जो दूसरी कॉफी आप देखे हो वो क्या होता है अमेरिकानो, अमेरिकानो जी हाँ फ्रेंच लैंग्वेज अमेरिकानो क्या होता है, होता तो ये भी कड़वा ही है भाई साहब, लेकिन क्या इसमें क्या होता है पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, जितना पाउडर और उससे थोड़ा ज्यादा पानी, यानी क्या थोड़ा झेल सकते हो उसको, होता ये भी कड़वा, इसको कभी ऑर्डर मत कर देना, कभी शॉप में जाओ बोले अमेरिका लग रहा है अच्छा होगा, अमेरिका नहीं अच्छा, अमेरिका नहीं अच्छा नहीं होता भाई साहब, बहुत कड़वा होता है ये भी, लेकिन हाँ थोड़ा झेल सकते हो उसको, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पानी होता है, ठीक है, और पानी के साथ क्या होता है आपका एस्प्रेसो, यानी जो एस्प्रेसो है ये बेस है, इन हर कॉफी में एस्प्रेसो पड़ता ही पड़ता है, एस्प्रेसो एक बेस होता है जो हर कॉफी में डालते हैं इसको, तो पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ा के एस्प्रेसो डाल दो क्या बन जाता है आपका अमेरिकानो, ठीक है जी। अब आते हैं तीसरे नंबर वाले कॉफी पे, तीसरे नंबर वाली जो कॉफी होती है वो क्या होती है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कुछ नहीं कहा मैंने बोला फ्लैट व्हाइट, एक कॉफी का नाम होता है फ्लैट व्हाइट, ये फ्लैट व्हाइट होता क्या, कुछ नहीं भैया, बस पानी की जगह आप कर दो मिल्क, पानी जगह आप कर दो मिल्क, और मिल्क प्लस अगर आप एक्सप्रेसो यूज करते हो, मिल्क प्लस अगर एक्सप्रेसो यूज करते हो तो अब ये कड़वा नहीं रहता, ये थोड़ा क्रीमी हो जाता है, पीने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या था मिल्क प्लस एक्सप्रेसो, यानी कि आप पानी को हटाकर आपने क्या लगा दिया मिल्क, अभी तो ऑब्वियस है कि अगर कॉफी स्ट्रॉन्ग इसमें अगर आप मिल्क डाल देते हो तो मिल्क क्या करता है उसको डाइल्यूट कर देता है, यानी क्या उसकी जो कड़वाहट है उसको बहुत ज्यादा कम करता है, तो ये कड़वा नहीं होता, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। तीन कॉफी एक्सप्रेसो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ऑर्डर मत करना अकेले, मत ही करना, ठीक है। और जो अमेरिकानो तो बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आपको लगे कि आपको बहुत लंबे टाइम तक जागना है या आपको ट्रैवल करना है कहीं उतरना है तो बिल्कुल फिर आप अमेरिकानो पी सकते हो, लेकिन याद रखें कड़वा होता है। जो फ्लैट व्हाइट होता है वो कड़वा नहीं होता, वो बहुत ही माइल्ड फ्लेवर कर देता है, क्योंकि दूध है वो पानी, कॉफी और पानी के टेस्ट को क्या करता है डायल्यूट कर देता है, ठीक है।